शहर हैदराबाद मंगल को कौमी तराने से पैदा होने वाली तवानाई और हुब्बुल वतनी के जज्बे से गूंज उठा, जब रियासती हुकूमत के ज़ेर इहतमाम तेलंगाना राष्ट्र सम्मोही का जातीय गीत आलापना यानी कौमी तराने का बड़े पैमाने पर गाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। स्वतंत्र भारत वज्रस्थलों की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर यह प्रोग्राम आज सुबह 11:30 बजे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों और ट्रैफिक जंक्शन, तालीमी इदारों, सरकारी दफातर और बाजारों में मुनक़िद किया गया था, जिसमें कई अफराद ने हिस्सा लिया। एबिट जीपीओ सर्कल में बड़े पैमाने पर कौमी तराने की गायकी का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आला केसीआर ने शिरकत की थी। इस मौके पर हैदराबाद मेट्रो ट्रेनों को भी सुबह 11:30 बजे 1 मिनट के लिए रोक दिया गया और ट्रेनों और मेट्रो स्टेशनों पर कौमी तराना बजाया गया। सऊदी वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान की जानिब से खाना काबा को गुसल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने गुसल काबा की सालाना रस्म से कबल तवाफ किया और दुआ की। उनके साथ सऊदी वजीर स्पोर्ट शहजादे अब्दुल अजीज बिन तुर्किल फैसल भी मौजूद थे। उनका इस्तकबाल हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुलरहमान असुदेस ने किया। इस मौके पर दीगर आला हुकाम भी थे मौजूद। रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद की हो गई मौत। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार लॉरी से अगबे सिम से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। मरने वालों की शनाख्त चैतन्या गौतम सौम्यकिया के तौर पर की गई है, जबकि एक और महलूक की फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। रियासत गुजरात गोधरा फसादात में बिल्कीस बानो इज्तिमा इस्मतरेजी मुकदमे में उम्र कैद का सामना करने वाले 11 कैदियों को रिहा कर दिया गया। पंचमहल के कलेक्टर सज्जल मायात्रा ने बताया है कि कुछ महीने पहले तश्कील दी गई कमेटी ने इस मामले में तमाम 11 मुजरिमों की सजा मुआफ करने के हक में मुत्तफिका फैसला किया था। सिफारिश रियासती हुकूमत को भेजी गई थी और कल रिहाई के अहकाम दे दिए गए। यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब के दौरान एक शख्स की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के इलाके कापरा के लक्ष्मी विलाज में पीर को यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर तकरीर के दौरान 56 साल सुरेश नामी शख्स गश खाकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। सुरेश माइक के जरिए यौम आज़ादी तकरीब में शरीक अफराद से खिताब कर रहे थे कि अचानक उनके कल्ब पर हमला हुआ और वो गिर पड़े, जिसके फौरी बाद उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर बाद तशखीस डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा दिया करार। तेलंगाना के जनगांव में बीजेपी की रियासती सदर बन्नी संजय की पदयात्रा के दौरान बीजेपी और टीआरएस कारकुनों में तसादम हो गया। बीजेपी की रियासती सदर बन्नी संजय की वेरोपल्ली गांव में यात्रा के दौरान टीआरएस के कारकुन वहां पहुंचे और उनकी तकरीर पर एतराज करते हुए नारे लगाए। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों में तसादम हो गया, जिसके बाद दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर संगबारी की। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए दोनों ग्रुप को मुंतशिर कर दिया। इस तसादम में टीआरएस के 6 और बीजेपी के 4 कारकुन हो गए जख्मी। कर्नाटक के शिमोगा जिले में वीर सावरकर की तस्वीर के मसले पर दो ग्रुपों में तसादम हो गया, जिसमें मुबैना तौर पर एक शख्स को चाकू से मारा गया, जिसकी हालत तश्वीशनाक बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक ग्रुप ने सावरकर का पोस्टर लगा दिया था और दूसरे ने उसे हटा दिया और उसकी जगह टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। उसके फौरन बाद पुलिस वहां पहुंच गई और पोस्टर को जब्त कर लिया। पुलिस को हुजूम को मुंतशिर करने और हालात काबू में लाने के लिए लाठी चार्ज किया गया। कशीदगी के बाद पुलिस ने इलाके में बड़े इज्तिमात पर इम्तिनात अहकाम नाफिज कर दिए हैं और इजाफी फोर्स को कर लिया गया तलब। बीदर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के बेगमपेट से ताल्लुक रखने वाले पुलिस कांस्टेबल गिरीधर अपने खानदान के साथ स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे कि बेंगलुरु के करीब कौमी शाहरा पर उनकी कार को पीछे से एक कंटेनर ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त गिरीधर, प्रिया, अनीता, महेश और जगदीश के तौर पर की गई है।